फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा इस बोर्ड की वायरिंग करना। तो इस बोर्ड में तीन स्विचेस हैं, 1, 2 एंड 3, और एक इंडिकेटर है, एक 2-पिन सॉकेट है, एक 5-पिन सॉकेट है और एक होल्डर है, और ये 8x6 की सीट है। तो इसका कनेक्शन मैं करने आपको बताऊंगा। तो मैंने इसे पहले से ही फिट कर लिया, मतलब इतना बांध लिया है इस स्विच सॉकेट को सीट पर, जिससे कि आपका टाइम बचे। बांधने में कुछ है नहीं है, सब कटी हुई होती हैं सीट और आप इसे आराम से बांध सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच पाए और सब लोग आसानी से बोर्ड की वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वायर लेना होगा, जो कि आपको 0.75 स्क्वायर एमएम का वायर ले सकते हैं आप। आरके ट्रेंडी, मतलब आरके लाइट ट्रेंडी कंपनी का ओरिजिनल वायर लेना है आपको, जैसे कि ये है। और आपको इसमें और कंपनी का भी यूज कर सकते हैं आप। तो उसमें आपको मतलब कि कुल मिला के आपको कॉपर वायर और मतलब कि थोड़ा अच्छी गेज का वायर यूज करना है, जैसे 0.75 है, ये चलेगा आराम से। आप 1 mm भी यूज कर लें, पर इस जो 1.5 mm लगाएंगे तो वो भी ज़्यादा मोटा हो जाता है वायर, फिर वो दिक्कत करता है वायरिंग करने में। तो आपको 0.75 स्क्वायर mm का वायर ले लीजिए, बेस्ट है 6 ampere के लिए। तो आइए अब हम इसकी वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको इन तीनों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करना है, मतलब कि एक वायर को इस तरीके से छील लेना है और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देना है आपस में ही। तो आपको कटर की हेल्प से इतना ऐसे नाप लेना है इस तरीके से, और उसके बाद इस वायर कटर एंड स्लीपर की हेल्प से आप इसे इस तरीके से छील सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने छील दिया, और इसे अब आप इस तरीके से वायर को जो है बढ़ लीजिए। ये देखिए मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, ये देखिए अच्छी तरीके से। और आपको अब इन तीनों टर्मिनल में को खोल करके इन्हीं में इसे आराम से लगा देना है वायर को। तो पहले मैं लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको इसमें तीनों में इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने वो एक वायर को कनेक्ट कर लिया है इन तीनों में। और बस अब आपको ये देखिए इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी यहाँ ये वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, मतलब कि फेस वायर है। तो और आपको यही वायर यहाँ पर कर देनी है कनेक्ट। तो मैं इसे इस तरीके से कट कर ले रहा हूँ, और इस वायर को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये फेस वायर है, और जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट, और यहीं से आपका इनपुट फेस होगा। तो मैं इनपुट के लिए भी कनेक्ट कर लेता हूँ वायर को। देखिए इस तरीके से वायर को आपको मतलब इनपुट वाले वायर को भी आपको इसी में कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए आपको इस तरीके से इन्हें कनेक्ट करके इसमें बोल्ट में लगा करके टाइट कर देना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो है ये है इंडिकेटर, इंडिकेटर डायरेक्टली चलता है फेस से। तो हमें इसे इसी में लगा देना है, और उसके बाद आपको इसको बाहर निकाल देना है वायर को, मतलब ये इनपुट हो गया हमारा वायर इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस वायर को यहाँ से कनेक्ट करके इधर निकाल दिया है, मतलब यहाँ से हमारा फेस आएगा इंडिकेटर में, और इंडिकेटर से फेस जाएगा इन तीनों स्विचेस में। आप तीनों स्विचेस में फेस पहुँच चुका है, अब बारी आती है स्विचेस से होल्डर, 2-पिन सॉकेट और इस सॉकेट पर 5-पिन सॉकेट पर फेस देने की। तो आपको ये तीन स्विचेस हैं, आपको इन तीनों स्विचेस के इन तीनों को चलाना है। तो आपको अपने हिसाब से कर लेना, मतलब किस स्विच से क्या चलाना है, मतलब कि आपको एक चीज़ तो हमेशा याद रखनी है, इस जो बगल में स्विच होती है उसी से सॉकेट आपको हमेशा करना है। और उसके बाद इस स्विच से आप 2-पिन को कर दीजिए, और इस स्विच से आप होल्डर कर दीजिए, तो वो आपकी मर्जी है। या फिर आप इसे डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पर मेरे पास स्विच है तो मैं इसको इससे कर दूंगा। तो आइए अब हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको इससे करना ही है इसके बगल वाले में। और ये दोनों बस्ती आप होल्डर इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे आप आपकी मर्जी करें। तो पहले मैं होल्डर का कनेक्शन करता हूँ। तो आपको होल्डर को यहाँ से कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट करना है इस तरीके से। देखिए वायर लीजिए और यहाँ से कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं। मैं पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने होल्डर वाले वायर को यहाँ से होल्डर को फेस देने के लिए इस स्विच से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब होल्डर को भी मिल चुका है फेस स्विच से, जब हम स्विच ऑन करेंगे इसे फेस मिल जाएगा ये वाली स्विच साइड वाली। और अब बारी आती है इस सॉकेट की और इस 2-पिन सॉकेट की वायरिंग करना, इसकी तो हो ही गई होल्डर की। तो अब हम एक वायर यहाँ से ले जा करके यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वायर इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर लेनी है, ये देखिए कनेक्ट करता हूँ मैं।
ये देखिए इस तरीके से, टाइट हो गया। अब आपको यही वायर को सीधा इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है छील करके, और बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब कि मैं जैसे जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करते रहिए, आपकी बोर्ड की वायरिंग हो जाएगी आराम से। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान होती है बोर्ड की वायरिंग। बस आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आप सब बोर्ड की वायरिंग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए अब इस टू पिन को भी मिल गया है फेस, अब बचा इस सॉकेट को फेस देना। तो अब हम इसमें इस तरीके से एक वायर को छीलते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन लिखा है, इसमें हम फेस देंगे। तो अब हम एक वायर को यहाँ पर से इसमें कनेक्ट कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अब इस तरीके से हमने इस सॉकेट पर यहाँ से फेस इधर दे दिया है। अब फेस का भी काम हो चुका है समाप्त इसमें इस बोर्ड में, अब बचा सिर्फ न्यूट्रल। तो अब हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। तो पहले मैं एक बार फेस आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से फेस हमारा इनपुट हुआ, इस इंडिकेटर में गया, इंडिकेटर से तीनों स्विचेस में गया। अब तीनों स्विचेस से निकल के इस स्विच से निकला, इसमें चला गया सॉकेट पर, और इस स्विच से निकला इस सॉकेट पर चला गया, और इस स्विच से निकला इस सॉकेट पर चला गया। तो फेस का काम हो चुका समाप्त, और अब हम आते हैं न्यूट्रल की ओर। तो आपको न्यूट्रल यहाँ से इनपुट कराना है, यहाँ पर देना है न्यूट्रल, यहाँ देना है, यहाँ देना है, और यहाँ पर न्यूट्रल देना है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको एक वायर यहाँ पर छील लेना है इतना बड़ा इस तरीके से, और यहाँ पे पहले आपको कनेक्ट करना है। तो पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अब इस तरीके से इस सॉकेट पर मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया दोनों में टाइट करके। अब आपको न्यूट्रल यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है, मतलब इसमें और इसमें। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से वायर को नाप लेना है इतना बड़ा, और यहाँ से वायर को कट कर देना थोड़ा बड़ा करके वायर को, और यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा सा आप वायर को छील लीजिए इस तरीके से, और यहीं पर से आपको एक इनपुट भी देना है, मतलब न्यूट्रल आएगा भी तो यहीं से ना। तो यहाँ पे आप न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए, बेस्ट रहेगा। वो किस लिए है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये बात आपको जल्दी कोई नहीं बताता है, तो मैं अब आपको बता दे रहा हूँ किस ये यहाँ पर क्यों कनेक्ट करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, इधर जैसे कि मैंने इसको लगा दिया, और ये देखिए इस बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, ये देखिए। और यहाँ से हमारा हुआ क्या, ये जो है न्यूट्रल यहाँ से हमारा इनपुट हो गया। तो यहाँ पर से जब न्यूट्रल हमारा इनपुट हुआ तो ये आधे भाग में बढ़ चुका है, गौर कीजिए। अगर हम न्यूट्रल यहाँ पे देते तो यहाँ से इसमें जाता, फिर इधर फिर इधर, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वायर हमारा अच्छा है। और जैसे कि लोड ज़्यादा हो, कभी बड़ा बोर्ड हो, तो आपको हमेशा न्यूट्रल बीच से देना है, या फेस हो तो फेस को भी बीच से देना। जैसे कि फेस मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, वायर अच्छा था इसलिए मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, नहीं तो अब मैं फेस इसको यहाँ पर से देता, जैसे कि इधर आधा हो जाता और इधर आधा हो जाता। तो ये बात होती है, मतलब कि आपको जैसे मैंने यहाँ से दे दिया, इधर इसका हो गया आधा आधा और इसका आधा आधा इधर हो गया। तो उसमें क्या होता है कि अच्छी तरीके से प्रॉपरली चलता रहता है। और तो अब मैं इसमें यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस तरीके से न्यूट्रल का काम भी हो चुका है समाप्त। मैंने यहाँ से इधर और इधर कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल को, और मैं आपको एक बार से दोबारा बता देता हूँ न्यूट्रल को। यहाँ से न्यूट्रल आया बीच में, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और यहीं से आकर के सॉकेट पर चला गया। तो न्यूट्रल का काम भी हो चुका समाप्त, और अब बोर्ड हमारा है रेडी। और अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की ओर। तो आप अगर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो वायरिंग करने में। तो ये इस तरीके से है, और अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये रहा बोर्ड जिसमें कि 230 वोल्ट की एसी सप्लाई आ रही है, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी देखिए इंडिकेटर भी जल गया, ऑन हो गया। पर आप इस तरीके से टेस्ट ना करें क्योंकि पीछे अभी बोर्ड नहीं लगा है, मतलब लकड़ी पीछे नहीं लगी है इसकी, और उससे आपको मतलब डेंजरस है, क्योंकि इसमें 230 वोल्ट की एसी सप्लाई है तो आपको शॉक भी लग सकता है। तो आप इसे पूरा पैक कर लें तभी टेस्ट करें, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो। तो इसमें मैं आपको टू पिन पर लगाता हूँ, देखिए इस तरीके से, देखिए मैंने इस स्विच के देखिए ऑन ऑफ कर रहा है, ठीक। और अब हम आते हैं इस सॉकेट पर, तो इसमें देखिए इस स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। और अब बात करते हैं हम इस होल्डर की, तो होल्डर में मैंने लगा दिया और ये देखिए स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस तरीके से थी हमारी बोर्ड की वायरिंग। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बोर्ड की वायरिंग आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।